शमशान में जलती चिता की चिंगारी से करीब 15 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। किसानों के सामने उत्पन्न हुआ रोजी रोटी का घोर संकट। जनपद औरैया के थाना बेला क्षेत्र के ग्राम कैथावा में बीती रात एक व्यक्ति का निधन हो गया था। निधन के बाद उनके परिजन और ग्रामीण उनके शव को गांव के निकट स्थित शमशान घाट पर दाह संस्कार के लिए ले गए थे। दाह संस्कार के समय हवा तेज चलने के कारण चिता से निकली चिंगारी ने समीप खड़ी गेहूं की फसल को चपेट में ले लिया, जिससे आग देखते ही देखते आसपास के सभी खेतों में फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड रास्ता उपलब्ध न होने के कारण खेतों पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर उप निरीक्षक उदयवीर सिंह डायल 112 के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में ग्रामीणों की मदद की। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी फसल जलकर राख हो गई है। इन पीड़ित किसानों में विवेक चंद पुत्र जगदीश चंद, उमेश महेश पुत्र रामनाथ शर्मा, शिव कुमार पुत्र सूबेदार शर्मा, प्रेमचंद तिवारी पुत्र रामदास, वीरेंद्र सिंह पुत्र पीताम्बर सिंह, अजमत खान पुत्र नत्थू खान, हरजीत सिंह पुत्र रामचंद्र निवासी कैथावा आदि ने बताया कि इस अग्निकांड में हम लोगों की करीब 15 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल राख हो गई है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। अब हम पीड़ित किसानों को केवल सरकारी सहायता का ही आसरा रह गया है। क्षेत्र के संभ्रांत जनों ने पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता के लिए प्रशासन से मांग की है। न्यूज ऑफ इंडिया के लिए संपादक व वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम सिंह।